ब्रह्मास्त्र फिल्म के बाद हम सभी लोग इसके पार्ट टू का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। पार्ट वन ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, तभी से लोग इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए इसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मेकर्स के मुताबिक हमें ब्रह्मास्त्र पार्ट टू के लिए काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अयान मुखर्जी की आने वाली दो बड़ी मूवी पर वो काम कर रहे हैं। दोनों ही मूवी के बाद ब्रह्मास्त्र पार्ट टू पर काम शुरू हो सकता है, यानी कि अभी 2024 तक काम नहीं होने वाला है, लेकिन 2025 के लास्ट तक ब्रह्मास्त्र पार्ट पर काम शुरू हो सकता है। तब तक हमें इसके सेकंड पार्ट के लिए इंतजार तो करना ही पड़ेगा। वही मूवी को लेकर लोगों में दूसरी एक्साइटमेंट ये भी है कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, जो कि ब्रह्मास्त्र पार्ट टू की स्टोरी उसके पास फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट होने वाली है। इसको लेकर भी कई थ्योरी बन रही हैं, लेकिन इसके सेकंड पार्ट की स्टोरी को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी कोई भी अपडेट सामने नहीं आई है। दूसरा ये है कि मूवी में हमें देव का रोल कौन करने वाला है, इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी अच्छा एक्साइटमेंट बना हुआ है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देव के रोल में ऋतिक रोशन या फिर रणवीर सिंह में से एक देखने को मिलने वाला है। लेकिन दोनों के नाम को लेकर मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आई है, पर मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमें देव के रोल में रणवीर सिंह देखने को मिल सकते हैं। रणवीर सिंह के साथ मूवी में लीड रोल में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण जैसे दिग्गज कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। इन सभी के साथ इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन दोबारा से देखने को मिलने वाले हैं। वहीं बात करें मूवी के डायरेक्टरों की, तो इस मूवी को बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से एक अयान मुखर्जी डायरेक्शन में बनाया जा रहा है। आपको बता दें ब्रह्मास्त्र पार्ट वन को इन्होंने ही डायरेक्ट किया था, जो कि सुपर डुपर हिट साबित भी हुआ था। अब देखना यही होगा कि पार्ट टू में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो आप सब इसके लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी और भी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।